नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। केदार प्रजापति बिल्डर के खिलाफ मृतक सुकुमार के परिजनों ने परसोड़ी थाना में मामला किया दर्ज। दहेज अधिनियम का उल्लंघन एवं दूसरी शादी करने के आरोपी के घर आजाद नगर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। कन्हैया सिंह हत्याकांड मामले में झारखंड क्षत्रिय संघ के सैकड़ों सदस्यों ने थाने में नारेबाजी कर जताया विरोध। मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग। और माइकल जॉन सभागार में प्रदेश इंटक के कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। खबरें विस्तार से। केदार प्रजापति बिल्डर के खिलाफ मृतक सुकुमार के परिजनों ने परसोड़ी थाना में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि कल परसोड़ी के प्रथम नगर में 6 तल्ले बिल्डिंग में काम करने के दौरान सुकुमार नामक एक मजदूर की 6 तल्ले से गिरकर मौत हो गई। वही मृतक के परिजन ने परसोड़ी थाना में पहुंचकर बिल्डर केदार प्रजापति के खिलाफ लापरवाही बरतने, सुरक्षा बेल्ट नहीं दिए जाने आदि का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वही जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं पूर्व जिला परिषद सदस्य पिंटू दत्ता ने कहा कि ठेकेदार केदार प्रजापति के द्वारा सुरक्षा बेल्ट मुहैया नहीं कराने और लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। इस बिल्डिंग के नक्शा की भी जांच होनी चाहिए। उनका का ना तो सेफ्टी बेल्ट था, ना तो कोई उसका सुरक्षित का कुछ जुगाड़ था उसके पास। ये पूरा पूरी लापरवाही से उसको उसका मृत्यु हुआ, क्योंकि बिल्डर इस तरह का लोगों को साथ शोषण कर रहे हैं। और बिल्डर जब नीचे गिर गया, मर गया, उसके बाद में उसको मैंने खाली अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ पर ही उसको पागल साबित करके उसको ले गया हॉस्पिटल, और पागल बोल के उसको मैंने पोस्टमार्टम भी करवा दिया। उसके बाद में घर वाला को खबर दिया। हाँ, उसका घर वाला पढ़ा लिखा नहीं है, आके साइन करके वो अपना लाश देखा लेके चले गया। केदार प्रजापति बिल्डर के ऊपर FIR दर्ज किए हैं। अब कानून पर हम लोग छोड़ दिए हैं, आप जो भी फैसला होगा कोर्ट पे होगा, देखा जाएगा अपोजिशन में मिलेगा नहीं मिलेगा। उनका तो फर्ज बनता था कि गरीब को कुछ दे, बेचारा बहुत ही गरीब है। आज दो दो बच्चा है उसका, आज 3 दिन हुआ सीजर होके एक बच्चा घर में आया। लेकिन उस मैंने बिल्डर को सोचना चाहिए कि गरीब के साथ शोषण करके सालों भर से काम करा के आज उसका मृत्यु तक हो गया, लेकिन उसको ना झाँकने आया ना कुछ यहाँ पर मुआवजा देने के बाद। इधर दहेज अधिनियम का उल्लंघन एवं दूसरी शादी करने के आरोपी के घर आजाद नगर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। दहेज अधिनियम का उल्लंघन एवं दूसरी शादी करने का आरोपी चेपा पुलिस स्थित महल गांव फ्लैट नंबर 104 निवासी मोहम्मद रियासत के आवास पर आजाद नगर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। आए थे मोहम्मद यासर, अभियुक्त मोहम्मद यासर है, उसका पिता एम नसरुल्ला, मोहम्मद नसरुल्ला है पिता उन्हीं का लड़का है। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम मोहम्मद यासर है। क्या है मामला? मामला है 498-494 का। अच्छा। जो इसकी जो है इसमें अभी तक इसको वारंट निकला लेकिन अभी हाजिर नहीं हुआ। इसको वांटेड बनाया गया है कोर्ट के तरफ से, इसको जो है टू किया गया इस पर। आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग इश्तेहार साटे हैं इस पर। अच्छा। हाँ, इश्तेहार साटे हैं। आगे आगे अगर इस पर भी अगर ये नहीं, अगर ये होता तो घर का जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा, आगे कार्रवाई होगी, आगे कार्रवाई होगा। जमशेदपुर के माइकल जॉन सभागार में प्रदेश इंटक के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे समेत तमाम इंटक के पदाधिकारी एवं विभिन्न मजदूर नेतागण मौजूद रहे। कार्यकारिणी के दौरान प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों ने अपना अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहीं आगामी दिनों में इंटक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर यहां चर्चा की गई। बातचीत के क्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इंटक और कांग्रेस लगातार मजदूरों के उत्थान में कार्य में जुटी है। केंद्र सरकार देश के मजदूर और युवाओं के शोषण में लगी है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एवं इंटक लगातार आंदोलन करती रहेगी। ठेकेदार मजदूरों को भी यूनियन में जोड़ने की बात कही थी आपने, उस पर क्या चर्चा है? बिल्कुल, ठेकेदार मजदूर को जब तक यूनियन में हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम बहुत मजदूर ताकतवर आंदोलन कर नहीं पाएंगे। मजबूत आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है कि सभी मजदूरों की इकट्ठा एक बैनर के अंदर लाना, तभी हम ताकत बढ़ा पाएंगे अपना और तभी हम आंदोलन कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
हमारे जितने संगठित क्षेत्र हैं जो 7-8% बच गए हैं और उनको निजीकरण के हवाले कर रही है, चाहे वो CCL हो, BCL हो, MTNL हो, BSNL हो, चाहे वो रेल हो, वेल हो, LIC हो, जहाज हो, तो ये कहीं ना कहीं इस देश की आत्मा को झकझोरने का काम कर रही है और इस देश के हमारे जो भामाशाही डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण नीति को भी ख़त्म करने का काम कर रही है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और असंगठित क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा 93%, 94%, 92% के करीब असंगठित क्षेत्र हो गया है। और जिस तरीके से मजदूरों की अनदेखी हो रही है और मजदूरों के हितों को तोड़ने का काम कर रही है, तार तार करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, ये निश्चित तौर पर ये देश मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। और यदि मजदूर, किसान, जवान यदि तीनों दुखी हैं तो देश कहीं ना कहीं बहुत विकराल स्थिति में जा रहा है। और हम कांग्रेस जनों का दायित्व है कि इस विकराल स्थिति से इस देश को बचाना है। इधर ठेकेदार कन्हैया सिंह हत्याकांड के 3 दिन बीत चुके हैं। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की मियाद पूरी हो चुकी है। रविवार दोपहर झारखंड क्षत्रिय संघ के सैकड़ों सदस्य रैली की शक्ल में पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए थाना पहुंचे। इनके साथ ईचागढ़ के पूर्व विधायक और कन्हैया सिंह के बहनोई अरविंद सिंह और भाजपा नेता अभय सिंह सहित कांग्रेस झामुमो के कई नेताओं की भी मौजूदगी रही। सभी पूरे जोश और खरोश में लबरेज नजर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद थाना प्रभारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में संघ के सदस्यों ने थाना प्रभारी से अविलंब हत्यारों को बेनकाब करने की मांग की। वहीं वापस रैली की शक्ल में सभी पूर्व विधायक के आवास पहुंचे, जहां पूर्व विधायक ने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को बेनकाब करे, अन्यथा वे अपने स्तर से पाताल से भी अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे। पूर्व विधायक ने कन्हैया सिंह के हत्यारों की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पूर्व विधायक ने आदित्यपुर में हाल के दिनों में हुए गैंगवार और हत्याओं पर नाराजगी जताई, साथ ही कहा कन्हैया सिंह जैसे सामाजिक लोगों की हत्या कहीं न कहीं समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कन्हैया सिंह के हत्या के विरोध में साथ देने वालों का आभार जताया और कहा कि इस मुहिम को आगे ले जाने की जरूरत है। सिर्फ कन्हैया सिंह ही नहीं, किसी की भी हत्या होने पर एकजुटता दिखनी होगी, तब सामाजिक समरसता बनेगी और पुलिस प्रशासन पर जल्द से जल्द मामलों का उद्भेदन करने का दबाव रहेगा। हालांकि पूर्व विधायक ने फिर से दोहराया कि उन्हें कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, कन्हैया सिंह की हत्या उसी की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि आदित्यपुर, जमशेदपुर से लेकर ईचागढ़ तक उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वैसे उन्होंने इससे निपटने में खुद को सामर्थ्य बताया और कहा पुलिस प्रशासन अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा वे अपने स्तर से कार्रवाई करने को विवश होंगे। वहीं अरविंद सिंह ने अब तक हुए पुलिसिया तफ्तीश को संतोषजनक नहीं बताया, मगर फिर भी उन्होंने कानून पर आस्था जताई और पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करने की बात कही। शहर ये कौन में कुछ लोग जातीय आधार पे राजनीति करके और अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, कुछ सफेद पोष लोग हैं यहाँ पे जो पर्दे के पीछे से खेला खेल करके और ये करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम लोगों को जानकारी में है। मेरी यही है कि इसके पीछे कौन है। मैंने प्रशासन से जो मेरी बात हुई है, बोला हो सकता है कुछ लेट हो किया, मगर इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी अपने तरफ से प्रयास कीजिए, पता तो चलेगी आगे पीछे थोड़ी देर में, ये सारी बातें क्लियर हो ही जाएगी। और है हम लोगों का कहाँ से क्या क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे जम आदिपुर में टिकड़ी बनी है जो यहाँ से लेके जमशेदपुर, चांडिल, ईचागढ़ विधानसभा में भी पॉलिटिक्स करके ये कर दिया है। सारी जानकारी है, कुछ जानकारी हम लोगों ने शेयर किया, कुछ अपने ढंग से पड़ताल कर रहे हैं। मेरा यही है कि ये कन्हैया जी की नहीं है हत्या, कोई भी हत्या हत्या होती है। कन्हैया जी जैसे सोशल लोगों की हत्या समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल प्रांगण में नशा उन्मूलन विषय पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल प्रांगण में नशा उन्मूलन विषय पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक शरद चंद्रन, लक्ष्मी शरद, शर्मिला मुखर्जी समेत छात्र उपस्थित थे। जो ड्रग्स है बहुत ही चंद्र जी के गांव में हमारे लोग इस पर धंसते जा रहे हैं, उस पर घुसते जा रहे हैं। खास करके यंग जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बावजूद जानते हैं कि नुकसान देते हैं, उसके बावजूद इससे दूर नहीं हो पाते हैं और एक मस्ती के नाम पर या एंजॉय के तौर पर इसको अपनाते हैं। लेकिन बच्चों ये आप लोग को जानना चाहिए, जो माँ बाप लोग आप लोग को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, अच्छा शिक्षा के लिए आप लोग अच्छे अच्छे स्कूल में आप लोग को पढ़ाते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ तक आप लोग एक से एक ले रहे हैं जो नशा के हो चुके हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113438213। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी
डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बारे हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए हैं ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम्स, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। इधर पोटका हल्दी पोखर भिलाड़ी के ग्रामीण आज विधायक संजीव सरदार के हाता स्थित कार्यालय पहुंचे और विधायक संजीव सरदार से मुलाकात कर शराब दुकान को बंद कराने की मांग की। पिछले दिनों भिलाईडी के ग्रामीण गांव में सरकारी शराब दुकान खोले जाने का जमकर विरोध किया गया। वहीं भिलाड़ी के ग्रामीण आज विधायक संदीप सरदार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और विधायक से मुलाकात कर शराब दुकान को बंद करने की मांग की। गांव के अंदर जो शराब का दुकान खोला गया है, सरकारी नियम और कानून को ताक में रखकर पिछले दिनों भी हमने पूरे गाँव को लेकर इस शराब की दुकान को खोलने का विरोध किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ आके संपर्क किया और इनको एक ज्ञापन भी सौंपा। हम लोगों ने कल जाके उपायुक्त महोदया को भी हम लोगों ने इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं और विधायक से भी अनुरोध किए हैं। विधायक जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 5 तारीख को जिला में एक बैठक है और बैठक में मैं इस बात को लिखित रूप से रखूँगा, और हम लोगों को उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा भिलाईडी जो सीमा है, भिलाईडी की सीमा से जल्द से जल्द शराब की दुकान को हस्तांतरण करने का हम काम करेंगे। यह हम लोगों ने विधायक गांव वालों को आश्वासन दिया। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। उधर मानसून के सक्रिय होने से सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ से स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि शहर के ऊपर इलाकों में सड़कों पर पानी जम गया है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। बिष्टुपुर के रिगल कुल चक्कर, साक्षी के MGM अस्पताल और साक्षी के हावड़ा ब्रिज के समीप सड़क पर बारिश के पानी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी है। वहीं मौसम विभाग ने संकेत दिया है 4 जुलाई तक बारिश होती रहेगी। और सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा राजमहल का ऐतिहासिक रथ यात्रा 1672 से होती आ रही है। आज भी सरकार के दिए चंदे की राशि से होती आ रही है रथ यात्रा। आपको बता दें कि जगन्नाथ महाप्रभु की प्रतिमा 1672 ईस्वी में खरसवा के सोना नदी पर मिली थी। उसके बाद से खरसवा राजमहल में ऐतिहासिक जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा होती आ रही है। ये झारखंड का एकमात्र ऐतिहासिक रथ यात्रा है जिसमें सरकारी आवंटन पर पूजा संपन्न होती है। महाप्रभु का पूजा के दौरान खरसवा के राजा साहब श्री गोपाल नारायण सिंह देव के द्वारा चेहरा पोहरा करके महाप्रभु को रथ में लाया जाता है। आपको बता दें कि खरसवा राजमहल का रथ यात्रा एकमात्र यात्रा है जो सदियों से चला आ रहा है। साथ ही साथ आज के ही दिन सरकारी आवंटन इस पूजा के लिए झारखंड सरकार के द्वारा आती है। इस दौरान राज परिवार के राजमाता विजया सिंह देव, खरसवा की रानी साहिबा अपराजिता सिंह देव, राज परिवार के राजकुमार आनंद सिंह देव, राजकुमार देवराज सिंह देव, अनूप सिंह देव, साथ ही राज परिवार के सदस्य गण महाप्रभु के पूजा में उपस्थित थे। साथ ही साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी धर्मपत्नी मीरा मुंडा, जिला परिषद झिंगी हेमब्रम खरसवा की मुखिया सुनीता तोपो उपस्थित थे। खरसवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दशरथ गागराई उपस्थित होकर महाप्रभु का आशीर्वाद लिए और इस दौरान खरसवा में श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में उपस्थिति दिखी। इधर जमशेदपुर वेडिंग एवं
पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पर पहली बार भारत के प्रख्यात शारी अकेडमी मुंबई के संचालक गिरीश मिस्त्री की पत्नी हरित गंधा मिस्त्री द्वारा कार्यशाला के माध्यम से तकनीकी गुर सिखाएगी। कार्यशाला का आयोजन फोटोग्राफी एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से 16 जुलाई को सांची स्थित कैनालाइट होटल में आयोजित की जा रही है। इससे कार्यशाला का आयोजन को लेकर रविवार को गुलमोरी स्थित पार्क में एसोसिएशन की ओर से पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सचिव रूपेश कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में जमशेदपुर के अलावा आसपास के फोटोग्राफर भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हरित गंधा मिस्त्री द्वारा शादी समारोह एवं पोर्ट्रेट फोटो और वीडियोग्राफी के बारे में तकनीकी गुणवत्ता के बारे में काफ़ी सूक्ष्मता के साथ जानकारी दी जाएगी, जिससे फोटोग्राफरों को अपने व्यावसायिक कुशलता में काफ़ी सहयोग मिलेगा। फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक दिन का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला शहरी अकादमी मुंबई के मेंटर हरिगंधा मिस्त्री भी करवाएंगे। यह प्रोग्राम हम लोगों का 16 जुलाई 2022 को होटल कैनालाइट में होने वाला है, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। इस तरह का कार्यक्रम करने का पीछे हमारा मंशा ये रहता है कि जो फोटोग्राफर को फोटोग्राफी करने के दौरान किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो इसमें आकर के वो शिक्षित हो सकते हैं और अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर तस्वीर जो उनके मेमोरी है उसको अच्छा ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केदार प्रजापति बिल्डर के खिलाफ मृतक सुकुमार के परिजनों ने परसोड़ी थाना में मामला किया दर्ज। दहेज अधिनियम का उल्लंघन एवं दूसरी शादी करने के आरोपी के घर आजाद नगर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। कन्हैया सिंह हत्याकांड मामले में झारखंड क्षत्रिय संघ के सैकड़ों सदस्यों ने थाने में नारेबाजी कर जताया विरोध, मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग। और माइकल जॉन सभागार में प्रदेश इंटक के कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।